जय दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे मार्केट से जुड़े न्यूज़ों को कवर किया जाता है। एंड उससे बड़ी बात, आपके सभी सवालों का जवाब हमारे चैनल पे यहाँ पे दिया जाता है। एंड यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो कई सारे सवाल यहाँ पे आते हुए हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज से देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था, तो हम उसको कवर करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर रिलायंस ने दोस्तों डिविडेंड देने की भी यहाँ पे घोषणा की, वो भी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो रिलायंस के क्वार्टर फोर का रिजल्ट है उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी हम इसी वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स ने इस रिजल्ट को देख करके जो नेक्स्ट टारगेट इस कंपनी का रखा है, हम उसको भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से रिलायंस से रिलेटेड जितने भी सवाल है वो सभी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट पर जाने से पहले यहाँ पर हम अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आ गए हैं। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में पिछले कुछ टाइम से दिक्कतें देखने को मिले, जो कि फ्यूचर ग्रुप के डील से रिलेटेड हमको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। एंड यहाँ पर जो डील होती है उसको लेकर के अमेजॉन जो है हाईकोर्ट चली गई थी, जिस वजह से हम कह सकते कि हमारी जो कंपनी है वो आपको पिछले 6 महीने से अगर हम बात करें तो आपको एक ही बॉक्स में यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इस टाइम पीरियड में जिस किसी ने भी इस कंपनी को बाय किया होगा, सो लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पे करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ठीक एक साल पहले अगर किसी ने भी इस कंपनी को बाय किया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन सभी लोगों को 40% का मुनाफा यहाँ पे होते हुए हमको देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है दोस्तों, उसको लेकर के यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर, उनको ये लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ये क्या नाम खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसी चीज़ें आपको हर कंपनियों में कभी ना कभी चीज़ें देखने को मिलती है। एंड ये भी चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म होते हुए हमको देखने को मिली, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जब क्वार्टर फोर का रिजल्ट इनका देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि हमारी जो कंपनी इस समय आपको एक ही दायरे में देखने को मिल रही है, वो अब ब्रेकआउट करके आगे जा सकती है। एंड वहाँ पे इसी वजह से उन्होंने उसका एक नेक्स्ट टारगेट भी रखा, जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं इनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। सो यहाँ पर हम सीधा रिजल्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी जो कंपनी है उन्होंने डिविडेंड भी आपको दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी आपको देते हुए देखने को मिले, जो कि पर इक्विटी शेयर, मतलब एक शेयर अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर 7 रुपये आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर अब हम सीधा रिजल्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर जो भी डाटा आपको देखने को मिलेगा वो प्रेजेंट टाइम का आपको डाटा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का डाटा आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे लास्ट ईयर का डाटा इस लाइन में आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर टोटल इनकम बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, लेस जीएसटी रिकवर्ड, एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ सेल्स सर्विस, इन सभी को मिलाकर जो टोटल इनकम यहाँ पे हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 158,133 आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। एंड लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 128,450 आपको देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 143,416 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर बेस एंड ईयरली बेस दोनों ही बेस पे हमको अच्छी खासी बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम एक्सपेंसेस की यहाँ पे हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि ये सारे पैरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसको मिला करके जो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हुआ है वो आप देख सकते हैं कि 142,582 आपको देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 113,422 आपको देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर की बातें करें तो 129,897 आपको देखने को मिला। तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हमको अपनी कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गए दोस्तों एक्सपेंसेस की बातें। अब हम अगर बातें करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आपको यहाँ पे 16,382 आपको देखने को मिला, जबकि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 14,982, एंड लास्ट ईयर की बात करें तो 9,223 आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि क्वार्टर ईयरली बेस एंड क्वार्टर बेस दोनों ही बेस पे हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर
टैक्स के बाद की भी अगर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि 14,995 यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो 14,894 एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 6,546 आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ईयरली बेस पे अगर बातें करें तो हमारी जो कंपनी है वो डबल से भी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रही है ईयर और ईयर बेस पे अगर बातें करें तो। उसी के साथ साथ क्वार्टर बेस की भी बातें करें तो हम कह सकते हैं 100 करोड़ का अधिक यहाँ पे प्रॉफिट हमको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात होती है। यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो ईयरली बेस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस की भी अगर बात करें तो ये दोनों ही बेस पे अगर बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए हमको देखने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी के साथ साथ अगर अर्निंग पर शेयर की भी यहाँ पर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है वो इस बार आपको 20.52 देखने को मिला, जबकि लास्ट क्वार्टर में 20.233 एंड लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 9.95 आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर भी हमको अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जब लगभग डबल का हमको ईयरली बेस पे आपको देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर बेस की बात करें तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो यहाँ पर ओवरऑल हम बात करें तो इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बातें करें तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हो तो आराम से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके यहाँ पे चल सकते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे रिजल्ट तो बहुत ही शानदार हमको यहाँ पे देते हुए देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर हम रिजल्ट के हिसाब से भी कह सकते हैं एंड यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स वो भी ये कह रहे हैं कि दोस्तों इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार यहाँ पे आते हुए हमको देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे इन्होंने इस कंपनी से जो टारगेट रखा है दोस्तों, तो टारगेट बताने से पहले हम इस कंपनी के शेयर प्राइस पे चलेंगे। सो यहाँ पर हम फिर से एक बार अपनी कंपनी के ऊपर ही आ गए हैं एंड यहाँ पर जो एक्सपर्ट दोस्तों जेफरीज की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो वो बोल रहे हैं कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ इन्होंने जेफरीज ने दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टारगेट रखा है वो अभी आप देख सकते हैं कि करीब 2000 पे आपको देखने को मिले एंड यहाँ पे इन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो 2600 यहाँ पे रखते हुए हमको देखने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने सऊदी एरमको से रिलेटेड भी कुछ बातें बताई है दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है, इन्होंने जो बताया है दोस्तों, इन्होंने बताया कि एरमको से जो डील होनी थी दोस्तों उस पर फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पे बातचीत शुरू होते हुए हमको देखने को मिल रही है एंड इसका रिजल्ट जो है आगे कुछ टाइम में ही आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जेफरीज ने कई चीजें बताई दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय का सिग्नल दिया है, उसके बाद यहाँ पे टारगेट इसका 2600 यहाँ पे रखते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ सऊदी अरबको से रिलेटेड जो यहाँ पे बातें आपको सुनने को देखने को मिल रही थी, यहाँ पे जेफरीज ने बताया कि दोस्तों कि रिलायंस और सऊदी अरबको से जो डील होनी थी ऑयल टू केमिकल वाले बिजनेस से रिलेटेड वो यहाँ पे फिर से शुरू होते हुए हमको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर ये डील हो जाती है दोस्तों तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिलायंस का जो कर्जा है वो हमको कर कम होते हुए देखने को मिल सकती है। सो इतनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में होते हुए देखने को हमको मिल रही है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही जल्दी अपने जो एक ही दायरे में इनका जो शेयर प्राइस चलते हुए हमको देखने को मिल रहा है वो उसको ब्रेकआउट करके आगे जाते हुए हमको देखने को जरूर से मिल सकती है। खासकर अगर एरमको की सऊदी अरबको की जो डील है वो अगर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जाते हुए हमको देखने को मिलने वाली है। एंड अगर उसी के साथ साथ 30 अप्रैल की अगर डिलीवरीज की बातें करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिलीवरीज है वो 42.65% की डिलीवरीज यहाँ पे उठते हुए हमको देखने को मिल रही, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो इस कंपनी से रिलेटेड, रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थे वो सभी मैंने आपको बता दी एंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके मन में आ रहे थे दोस्तों, हो सकता है आपको यहाँ पे मैंने सभी सवालों को जवाब दे दिया हूँ दोस्तों। एंड अभी भी कोई सवाल अगर आपको आपके मन में है तो यहाँ पर आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं एंड वहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे दोस्तों कि आपको उन सवालों का भी यहाँ पे हम जवाब दे सके। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।